वाटर पंप तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम मिनी वाटर पंप बनाने वाले हैं। तो लेट्स सी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें विक्स पेपर का डब्बा लेना है और ब्लू वाले डब्बे में छोटा छिद्रा, ब्लू स्काई वाले डब्बे में बड़ा छिद्र लेना है। उसके बाद एक डीसी मोटर लेना है और उसके साइड में ग्लू लगाकर उस पर ब्लू वाला ढक्कन को चिपका देना है। ढक्कन चिपकाने के बाद एक दूसरा प्लास्टिक ढक्कन लेना है और उसको ब्लू स्काई वाले ढक्कन के हिसाब से मार्किंग करके उसको अच्छे तरह से काट लेना है। उसके बाद उस कटे हुए प्लास्टिक में छोटा छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा चिपका देना है। ये सब करने के बाद इसके सेंटर में अच्छे से छिद्र कर देना है ताकि इसे मोटर के रड में फिट किया जा सके। उसके बाद उसमें कवर लगाकर ब्लू स्काई वाले कवर से इसको बंद कर देना है। देन इसको ऊपर के साइड में शोल्डर की मदद से छिद कर लेना है और ब्लेड से अच्छे तरह से चिकना कर देना है। उसके बाद इसे लकड़ी पे अच्छे तरह से फिट कर देना है। उसके बाद लकड़ी स्विच और मोटर का कनेक्शन अच्छे तरह से कर लेना है। ये सब करने के बाद हमने जो होल किया था उसके ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों साइड में पाइप फिट कर देना है। उसके बाद एक प्लास्टिक डब्बे में पानी भरकर स्विच को ऑन कर देना है, जिसके बाद ये मोटर अच्छे तरह से वर्क करने लगेगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखिए लिए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, न तो बड़ा मार मार।